हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति मुटकुरे। वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है विंटर स्पेशल मटर की कचौरी। बहुत स्वादिष्ट कचौरी है और इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पे देखिए। सो फ्रेंड, मेरी इजी टू मेक एंड टेस्टी टू ईट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो विंटर स्पेशल नागपुरी मटर कचौरी बनाने के लिए हमें लगेगा ये मैदा। मैदा मीन्स ऑल पर्पस फ्लोर। तो ये हमने 3 कप लिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपके यहाँ पे जिस तरह से आपको कम बनाना है ज्यादा बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप इसे भिगो सकते हैं। उसके बाद में हमने 2 कप मटर लिए हैं, ग्रीन पी। ये हरी मटर अभी ठंड के मौसम में इजीली अवेलेबल होती है, तो ये मैंने 3 कप ली है। और ये 3 हरी मिर्च ली है। उसके बाद में हमें ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक लगेगा, हींग लगेंगी मीन्स असाफटिडा। उसके बाद में हमें लगने वाला है कोरिएंडर मीन्स हरा धनिया। उसके बाद में हमें लगेगा ग्राम फ्लोर मीन्स बेसन लगने वाला है। ये है ड्राई मैंगो पाउडर मीन्स आमचूर पाउडर। उसके बाद में हमें लगेगा टर्मरिक यानी कि हल्दी, गरम मसाला, सॉल्ट यानी नमक, जिंजर गार्लिक, कोरिएंडर पेस्ट, अदरक लहसुन और ये हरा धनिया का पेस्ट है। उसके बाद में हमें लगेगा चाट मसाला, ड्राई फेनिग्री लीफ मीन्स कसूरी मेथी लगेंगी, पॉपी सीड मीन्स खसखस लगने वाला है। उसके बाद में हमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर लगने वाली है। उसके बाद में हमें लगेगा क्यूमिन सीड मीन्स जीरा, ये है कोरिएंडर एंड क्यूमिन पाउडर, धनिया जीरा पाउडर। उसके बाद में हमें लगेगा रेड चिली पाउडर मीन्स लाल मिर्च पाउडर जो तीखी वाली होती है, फेनल सीड यानी कि सोप। चलिए अब हमें क्या करना है, हमारी हरी मटर को हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया के साथ में दरदरा इसे मिक्सर में ग्राइंड करना है। कि हमने हरी मटर मिक्सर में डाल दी है, अब हमारी ये ग्रीन चिलीज है तो इसे हम तोड़ के डाल देंगे और इसे हमें दरदरा मीन्स कोर्सली ग्राइंड करना है। ये डाल देते हैं और इसमें पानी का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना। अब इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया। तो हम इसमें ढेर सारा हरा धनिया डाल रहे हैं और अब इसे हमें कोर्सली ग्राइंड करना है। तब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें दरदरा इसे क्रश करके मिक्सर में ग्राइंड करना है। चलिए अब इसे हमें पहले इसका स्टफिंग तैयार कर लेना है। चलिए स्टफिंग बनाने के लिए हमने एक पैन में ऑयल गर्म करने को रखा, मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है। तो अभी हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे हम जीरा। देख लेते हैं पहले, हमारा ऑयल अभी होने का है गर्म, होने देते हैं अच्छे से। चलिए अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड मीन्स जीरा डाल देते हैं। 1 टीस्पून हमने लिया है फेनल सीड मीन्स सौंफ। 1 टीस्पून हमने लिया है खसखस मीन्स पॉपी सीड और इसे हमें अच्छे से पहले भून लेना है। चलिए अब इसमें हम डाल देंगे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट मीन्स जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये 1/2 टीस्पून लिया है। गैस का पावर हमें स्लो ही रखना है। अब हमें क्या करना है, गैस का पावर एकदम स्लो करके इसमें हमारे पाउडर मसाले डालना है। तो हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली पाउडर, ये तीखी वाली लाल मिर्च है। 1/2 टीस्पून से भी कम हमने टर्मरिक ली मीन्स हल्दी। 1/2 टीस्पून गरम मसाला। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। 1/2 टीस्पून हमारा लिया है हमने, ये है हमारा आमचूर पाउडर। 1 टेबलस्पून भर के हमने धनिया जीरा पाउडर लिया मीन्स क्यूमिन एंड कोरिएंडर पाउडर। और ये चले जाएगा हमारा ड्राई फेनिग्री लीफ मीन्स कसूरी मेथी 1 टीस्पून। अभी इसे हम मिक्स करते हैं। और इसी में हम डाल देंगे हमारा ब्लैक सॉल्ट मीन्स काला नमक। तो ये हम 1/2 टीस्पून डालेंगे। अब इसमें डाल देंगे हमारा ये बेसन, ये 2 टेबलस्पून भर के हमने बेसन लिया है, बंगाल ग्राम। इसे हमें अच्छे से भूनना है। देखिए गैस का पावर हमने एकदम स्लो कर दिया है क्योंकि हमारे मसाले जलना नहीं चाहिए। इसमें डाल देंगे हमारा हरा धनिया,
अब इसमें डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार नमक मीन सॉल्ट। अभी हमने स्टार्टिंग में थोड़ा कम ही डाला है, हमको लगेगा कि कम है, हम स्टफिंग को टेस्ट करके देखेंगे और फिर हम डालेंगे उसमें। देखिए ये 2 कप हमारी हरी मटर का क्रस्ट था, उसमें मैंने 1 कप के करीब मेरे पास बचा हुआ था, मैंने घर में कचौरियां बनाई थी तो वो भी मैंने मिला दिया है। तो अभी इसको हम इसमें मिक्स करके इसे अच्छे से भूनना है। भूनते भूनते हमारा ये जो मसाला है ये पूरी तरह से सूख जाना चाहिए, इसमें पानी का अंश नहीं रहना चाहिए, तभी आपके वो अच्छे से बनेंगे। बॉल्स बनाना है हमें तो वो अच्छे से बनेंगे। मैंने 2 कप तो लिया था और मेरे पास में 1 कप के दाने जो थे वो क्रश करके पहले से रखे हुए थे, तो मैंने बोली चलो इसे मिला के इसको भी बना लेंगे। मैंने ये थोड़ा ज्यादा है मेरा, इसे हम अच्छे से भूनते हैं। अभी देखिए अब ये काफी अच्छे से सूख चुका है, काफी ड्राई हो चुका है ये, तो अब इसे हम गैस का पावर बंद करके इसे ठंडा होने देते हैं और हमारे मैदा को हमें भिगाना है। हमने जो मैदा लिया था 3 कप हमारा ये मैदा है, तो हमने इसको परात में डाल दिया। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देते हैं और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप के करीब हमारा ये गरम वाला ऑयल, तो हमने गरम करके रखा था, हल्का ठंडा भी हो गया ये, और इसे पहले हमें मसल मसल के पूरा मिक्स करना है। देखिए हमारा मैदा काफी अच्छे से मिक्स हो गया है तेल के साथ में, तो इसको मिक्स करने के बाद में हमारा जो ये है इस तरह से इसके लड्डू बनना चाहिए, यह परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एकदम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। अब पानी डालते हैं इसमें और थोड़ा थोड़ा करके और इसको एकदम सॉफ्ट डो तैयार करते हैं। देखिए इस तरह का हमें एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है। देखिए अब इसे हमें क्या करना है, ढक कर इसे 10 से 15 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है। इसे हम ढक के रख देते हैं। अभी देखिए हमने कढ़ाई में ऑयल गरम करने को रख दिया है और एकदम हमने स्लो आंच पे हमें हमारे ऑयल को गरम करने को रखा है। हमारा ऑयल हमें एकदम नॉर्मल गरम चाहिए। चलिए जब तक हम अपने आटे को मल लेते हैं और गोलियां बनाएंगे हमारी स्टफिंग की। चलिए हमारा आटा भी देख लेते हैं। ये देखिए काफी अच्छे से ये सेट हो गया है। अब इसे हमें मल के एक समान करना है, इसे चिकना कर लेना है पूरी तरह से। अब क्या करेंगे, हम इसे साइड में रखते हैं और हमारी स्टफिंग की गोलियां बनाएंगे। हमारी स्टफिंग को हमें नींबू का आकार की गोलियां बनाना है। ये देखिए नींबू के आकार की हम गोलियां बनाएंगे। इस तरह से हम बना के इसमें रखेंगे। पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं और ठंडे होने के बाद में ही हमें इसकी गोलियां बनाना है, वरना आपकी जो कचौरियां है वो फट सकती है। अगर आप गरम गरम में बनाओगे तो फट सकती है। इसी तरह से हमें सारे गोलियां बनाना है। तो अभी हमें जितनी कचौरियां बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप बना के रख लीजिए और बाकी का फ्रिज में रख दीजिए, और फिर 1-2 दिन के बाद में या फ्रीजर में आप इसे रखोगे पॉलीथीन के अंदर पैक करके या फिर एयरटाइट इसमें, तो आप इसे महीना भर स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन महीना भर स्टोर करने की जरूरत नहीं है, तुरंत बनाइए खाइए गर्मा गर्म, वो सबसे बेस्ट है। ये देखिए 5 हो गई हमारी, वैसे हम पूरे गोलियां बना लेंगे। चलिए अब हमें मैदा की भी हमारी बना लेना गोलियां। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमारे ये जो ये है मैदे का हमने जो बना के रखा है डो तैयार करके रखा था, उसकी गोलियों को हमें राउंड राउंड करना है। इस तरह से हमें इसे राउंड राउंड करके तैयार करके रख लेना है, इससे हमारी कचौरियां बनने में आसान होंगी। चलिए इस तरह से हमें सारे राउंड कर लेना है। अब क्या करेंगे, हम इसे हाथों से फैला देंगे। या फिर आप इसे बेल भी सकते हो। अब इसमें हमारा ये बॉल डालेंगे,
जो हमने मैं इसका बना के रखा है वो वाला। अब इसे हम इस अंदर दबाते हुए इस तरह से इसे हाथ अंगूठे से अंदर दबाते जाइए और इसको ऊपर ऊपर फैलाते जाइए। अब इसे हम पैक करेंगे। पैक करने के लिए इस तरह से हमें करना है। एक्स्ट्रा का जो है हमारा मैदा वो निकल जाएगा और उसके निकाल लेंगे हम। इस तरह से अभी इसको हम ऐसे ही बना बना के रख लेते हैं। इसके अंदर हमारा ये बॉल डालना है और इसको उठा के यहां से इसे दबोच कर हमें देखिए इस तरह से दबाते जाना है और इसको हम ऊपर उठाते जाएंगे। इसकी कटोरी के अंदर ये जाते जाएगा। अब इसे हमें पैक करना है। एक्स्ट्रा का निकाल के हमें इसे यहां पर ऐसा प्रेस कर देना है और ये हाथों से ऐसे दबा के हमें तैयार करके इसी तरह हम सारा तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने इस तरह से तैयार करके अब हमें क्या करना है इसे हाथों से थोड़ा सा प्रेस करके थोड़ा फैला देना है। इस तरह से और इसे हमें ऑयल में डालना है। अब इसमें हम ऑयल में डालते जाएंगे। देखिए हमारा ऑयल बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए। बस हाथों से इसको इस तरह से बना के रखने के बाद में हाथों से इसे हल्का हल्का दबा के प्रेस कर लीजिए। जितनी आ सकती है हम उतना ही डालेंगे उसमें। अभी इसे हम धीरे धीरे होने देते हैं। देखिए हमारी कचौरियां ऊपर आना शुरू हो गई है। अब हल्का हल्का इस पे हम ऑयल ऐसे डालेंगे। देखिए हमारी कचौरियां कैसे फूल के निकल रही है। तो बस इस पे हल्का हल्का हम ऑयल डालते रहेंगे ताकि ये पूरी तरह से फूल जाए। सभी कचौरियों पे हल्का हल्का ऑयल डालते रहेंगे गरम गरम। तो इससे काफी अच्छे से हमारी कचौरियां फूल जाती है। अब इसे हम पलटा लेते हैं। गैस का पावर एकदम मीडियम ही रखना है हमें। फुल पे बिल्कुल नहीं बनाएंगे हम। देखिए कैसे गुब्बारे के समान हमारी ये कचौरियां फूल रही है और इसे हम धीरे धीरे ही होने देते हैं। देखिए अब हमारी कचौरियां जो है अपना कलर में आ गई है। इसे हमें धीरे धीरे ही जितना फ्राई करोगे उतनी अच्छी हमारी ये कचौरियां फूलती है। और देखिए कैसे बलून के समान फूली हुई है। चलिए अब इसे हम और 1 मिनट होने देंगे और फिर इसे हम निकाल लेते हैं। अब हमारी कचौरियां हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए कितनी गजब से हमारी ये कचौरी तैयार हुई है। एकदम गुब्बारे की तरह फूली फूली हमारी ये कचौरी तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे की लाइक के बटन को क्लिक कीजिए, मेरी इस वीडियो रेसिपी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रेंड्स आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड वंस अगेन प्लीज प्लीज गिव लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।